इन्वेस्टिगेशन नीट 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख, आज की ताजा और अहम खबरों के साथ अमरावती से हमारे संवाददाता एजाज शाह की खास रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन राइट्स की तरफ से समीर अहमद शेख, देखा गया है कि कुछ दिन पहले 10 तारीख को अड़गांव में रहवासी मृतक बीवी फरीदा बी का दरंदगीज के साथ में हत्या की गई है, जिसको सोनाला पुलिस ने आत्महत्या करार दी गई है। उसी के विरोध में हमने आज अमरावती के आमदार वो MP रवि नारायण से बात करके उनको मामला समझाया है, जिसके बाद में हमें रवि राणा साहब ने एक लेटर बना के दिया है, जिसके माध्यम से हम अमरावती के आयुक्त महासंचालक चंद्रकिशोर मीना साहब से हमने मुलाकात की और इस मामले के बारे में चर्चा किया। तो मीना साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि लड़की की अगर हत्या हुई है तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएंगी। आज हमारे साथ में लड़की फरीदा बी की मां साथ में है, जो अड़गांव की रहवासी है। आज उनके मुंह से उनकी बयानी सुनिए, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? क्या हुआ था? सोनाला गए थे, टुनकी देवी थी सोनाला, बुल्डाने जिले में। अच्छा, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? मर्डर कर दिए उन्होंने, ससुराल वालों ने। किस बात को लेके मर्डर किया गया? मर्डर किया के आत्महत्या कर ली लड़की ने, वो बोलते हैं ऐसे उन्होंने। किस बात को लेके, मतलब किस बात को लेके उसने हत्या किया? उसकी पैसे मांग रहा था, पैसे तुझे तो बोले थे मैं आत्महत्या कर दूंगा तेरी, हत्या कर दूंगा। पैसे की मांग को लेके, पैसे की मांग को लेके बैठा था मैं, आत्महत्या कर दूंगा। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? सुनाला पुलिस ने क्या किया इस केस में? पुलिस ने किया कि तुम बाहर बैठो, हमारी रिपोर्ट नहीं दी है, वो लड़की रिपोर्ट नहीं किया का कहना है कि सोनाला की जो पुलिस कर्मचारी है, लड़की की जिस दिन हत्या हुई है, तकरार नहीं ली गई है। 10 तारीख को लड़की की हत्या की गई है, 10 तारीख को लड़की की तकरार नहीं ली गई है, बल्कि आरोपी की तकरार ली गई है। इनको 2 दिन के बाद पुलिस का कॉल आया है, जिसके बाद में इनको दिन के 10 बजे से रात के 2 बजे तक की पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है और FIR की परत 306 की बनाकर दी गई है। मतलब लड़की की हत्या की गई, इस तालुक से परत बनाई दी गई है और बयान का